अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी बख़ैर आफियत होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे मल्टीविटामिन 92 डी के हवाले से है। तो बेसिकली टॉपिक क्या है, इसकी यूसेज की ही डिटेल एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि लोग जो है वो यही बात कर रहे हैं कि जिनके पास केजी के, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 5 ग्राम इन 1 केजी फीड, तो लोग यही मेरे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है केजी की मेजरमेंट नहीं है, या इतने बर्ड्स नहीं हैं कि हम केजी में फीड इस्तेमाल करें, हमारे पास 2, 4, 5 पेयर या 10 पेयर हैं, तो हम लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज इसी हवाले से बात होगी। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट, जो मैं हमेशा से आपसे करता आ रहा हूँ, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, तो जिस तरह मैंने आपको केल्सी ब्री की जब वीडियो दिखाई थी तो उसके अंदर भी बताया था कि जब आपको डायरेक्ट, मतलब आपके पास केजी की मेजरमेंट ना हो या इतने बर्ड्स ना हो कि आप 1 केजी फीड इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जो है वो 3 से 4 पिंच ले लें और इसको डायरेक्ट पॉट के अंदर इस तरीके से स्प्रिंकल करें। ये मेरे रिंग नेक पैरट्स का पॉट है, तो ये इस तरीके से 3 से 4 चुटकी लेके, मेरे पास तो खैर अच्छा स्पून है एक छोटा सा, मुझे हमारी बेगम साहबा ने हमें अरेंज कर दिया था, तो ये भी कर सकते हैं, वरना ये तकरीबन 3 से 4 पिंच लेके आप जो है इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें। आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली कवर हो जाए, ठीक है। तो ये जब कवर हो जाए तो उसके बाद आप ये पॉट जो है प्लेस करें अपने पैरेट की केज के अंदर। आप देखेंगे कि मतलब वो इसके साथ साथ ही जो है, जैसे ही वो फीड खाएगा उसके साथ साथ ही ये मल्टीविटामिन भी जो है उसके पास फीड में शामिल होकर चली जाएगी। इस तरीके से स्प्रेड करें तो अपने पैरेट्स को दें। अभी हम ये पॉट जो है प्लेस करते हैं केज में ले जाके, तो आप लोग देखिएगा कि फिर वो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये दोस्तों, ये मैंने प्लेस कर दिए हैं पॉट्स, ठीक है, और इन्होंने आप जिस तरह नज़र आ रहा है कि फ़ौरन ही उठा के खाना शुरू कर दिए, तो देखें मेल भी आ गए और ये खाने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब स्प्रिंकल करेंगे तो ये जब आप ये फीड अपनी इस्तेमाल करेंगे तो ये साथ साथ ही जो है मल्टीविटामिन भी जो है इनके साथ खा लेंगे इसको, क्योंकि वो उसके ऊपर स्प्रिंकल हुआ हुआ है और साथ लगा हुआ है, तो वो फीड के साथ चला जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि जो फॉर्मूलेशन है उसका इस्तेमाल तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। जो लोग पूरा सेट ले रहे हैं 92 केल्सी ब्री का, 92 ब्री का और 92 ब्री ऑयल का, तो वो ज़ाहिर है उनका कॉम्बिनेशन ये बन जाता है कि वो रोज़ाना ही तकरीबन कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि रोज़ाना के बेस के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको बताया कि ये जिस तरीके से मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल सपोर्ट के साथ भी हैं, ठीक है। तो आप अपने पैरट्स को डेली बेसिस के ऊपर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल सपोर्ट भी दे रहे हैं और साथ साथ उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं, जो कि मल्टीविटामिन की सूरत में है, कैल्शियम की सूरत में है, या और दीगर जो गज़ाई ज़रूरियात हैं ओमेगा 3 की या प्रोटीन वगैरह की, तो उसको भी आप पूरा कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैरट्स को कि वो उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। ये ग्रे पैरेट्स हैं टॉकिंग टाइम में मेरे पास, ठीक है। इंशाल्लाह ब्रीडर पेयर भी जो है जल्दी आएंगे यहाँ पे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि इनके नेल, टेल, क्वाइन फीडर्स और फीडर्स की साइन किस क्वालिटी की है, ठीक है। ये हालांकि वॉइट आउट हैं, ठीक है, कैप्टिव हो रहे हैं अभी, लेकिन आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं,
इस तरीके से इनके टेल की लेंथ है, इनके शिद्दत की साइन है, क्या क्वालिटी है, ये सब इन्हीं फॉर्मुलेशन की वजह से ही है। इसे अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे ब्रीडिंग पेयर्स देख सकते हैं जो मेरे डिस्प्ले के हैं, फॉर्म के तो नहीं है, ये वो है जो मेरा होम बेस्ड डिस्प्ले सेंटर है नॉर्थ नजाबाद ब्लॉक एच में। तो ये सारे इन्हीं फार्मूलेशन की ही वजह से हैं। तो आप लोग भी इस्तेमाल करें, ये वही फार्मूला है। आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने जो है अपने पैरट्स को दे रहा हूँ और वो खा रहे हैं, अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ। ये मेरा फिंचेज हैं जो मेरे डिस्प्ले के सेटअप के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो ज़ाहिर है जो लोग मेरे पास फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करवाने आते हैं या जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कमर्शियली काम करने के लिए, तो उनको ज़ाहिर पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने बना के देना होता है तो उसके अंदर ये सारे सैंपल शामिल हैं। तो अभी क्योंकि ब्रीडिंग पेयर जो है मैंने ग्रे पैरेट के मंगवाए नहीं है, ग्रे पैरेट और रॉ के, क्योंकि यहाँ जो थे डिस्प्ले में वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए थे सारे। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कुछ केजीज भी आपको मेरे खाली नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये ज़ाहिर डिस्प्ले के हैं, यहाँ सिर्फ सेलिंग होती है। तो अब हुआ ये है कि यहाँ जो कुछ था वो सेल हो गया और पीछे फॉर्म के ऊपर जो स्टॉक है वो रेडी हुआ हुआ है बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए। तो इस वजह से जो एक छोटा सा गैप आ गया, तो आपको आजकल पिंजरा खाली नज़र आ रहे हैं। इन जो लोग आते रहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं कि ये सारा सेटअप भरा रहता है मेरा हर वक्त। जैसे ही सेल होता है स्टॉक पीछे से फौरन जो है वो फॉर्म से रिप्लेस हो जाता है। और ये सारे बर्ड्स जो हैं यहाँ पर भी और फॉर्म पे भी इन्हीं फार्मूलेशन के ऊपर ब्रॉटअप होते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप मेरे बर्ड्स की कंडीशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल किस कंडीशन के हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं अब जो है वो रेफरेंस वीडियोस भी आना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हमारे सेटअप्स लगे हुए हैं वहाँ से इंशाल्लाह वो भी मंगवा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ से भी जो जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर के, इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपसे शेयर करेंगे। चलें दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, मालूमाती वीडियो में। लोग मुझसे डायप्रॉन के भी यूसेज डिटेल मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं उसके हवाले से भी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। आप क्योंकि सुबह का टाइम है और मेरे जो बर्ड्स हैं वो अब नाराज़ हो रहे हैं कि मैंने अभी तक उन्हें क्यों नहीं खाना दिया। कुछ को तो दे दिया था, बाकियों को भी देना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मिलते हैं और मुझे ज़रा अपने परिंदों की नाराज़गी दूर करने दें, क्योंकि जिस तरह आप लोग मुझे अजीज हैं उसी तरह ये परिंदे भी अजीज हैं, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।